नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है जेब्रा फिंचेस के ऊपर है। जेब्रा फिंचेस क्या खाती हैं, जेब्रा फिंचेस का लाइफ स्पैन कितना होता है, जेब्रा फिंचेस एक बार में कितने अंडे देती हैं, और जेब्रा फिंचेस से रिलेटेड कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको जान करके आप हैरान हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। आप सभी लोग जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा YouTube चैनल ने आप सब लोगों की सुविधा के लिए एक मेंबरशिप ऑप्शन जो है हमारे चैनल पर दिया है। आप ज्वाइनिंग का बटन ज्वाइन करके मेंबर्स बन सकते हैं, और मेंबर्स बन के जितने जो मेंबर्स को बेनिफिट मिलते हैं उन सबका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। जेब्रा फिंचेस, आपने देखा होगा फिंचेस जो होती हैं, आपको पता होगा कि साइज में बहुत छोटी होती है। जैसे जेब्रा के नाम से मशहूर है कि जेब्रा के ऊपर जैसे ब्लैक कलर की काली धारियाँ होती हैं, इस फिंचेस की बॉडी के ऊपर उसी तरह की ब्लैक और व्हाइट कलर की मार्किंग होती है, इसलिए इस फिंच का नाम जो है जेब्रा फिंचेस रखा गया है। ये जो है नेटिव बर्ड्स है ऑस्ट्रेलिया का। मैक्सिमम जितने भी फिंचेस हैं वो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट इतना अच्छा है, वहाँ पर जो है इनके पनपने के लिए घास है, झाड़ियाँ हैं, जंगल हैं, पानी के स्रोत हैं, इसलिए वहाँ पर जो ये बहुत ज़्यादा पनपती हैं, और इनके खाने का जो है हैबिटेट है जो इनका बहुत अच्छा है, इसलिए सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है फिंचेस या बर्ड्स या पैराकिट्स की जो है वैरायटी देखी गई है। इनका जो लाइफ स्पैन देखा गया वाइल्ड के अंदर 2 से 3 साल देखा गया है। केजेस के अंदर यानी ह्यूमंस के अंदर, इंडोर के अंदर 5 से 7 रिकॉर्डेड है। इनका जो एक्सट्रीम लाइफ स्पैन देखा गया, जो मैक्सिमम रिकॉर्डिंग है, 14 साल देखा गया है। क्लास साइज जो है 4 से 6, यानी एक बार में 4 से 6 अंडे देते हैं, और 2 वीक्स के अंदर जो है अंडे को सेते हैं और उसमें से जो है बच्चा निकल जाता है। 1 महीने तक ये बच्चे की केयर करते हैं, 1 महीने के अंदर जो बच्चा है उड़ने लायक हो जाता है, अपने पेरेंट्स उसकी जो केयर है उसके मैक्सिमम 5 वीक करते हैं, उसके बाद बच्चा जो उड़ करके अपने आप सेल्फ फीड करना शुरू कर देता है, पेरेंट्स को छोड़ करके अपनी लाइफ में मस्त हो जाता है। फिर ये ज़्यादातर जो है सीड मिक्सचर खाते हैं, आपने देखा होगा क्योंकि छोटी स्पैरो टाइप की स्पीसीज है, सीड मिक्सचर खाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, मेल में अक्सर देखा गया जो ज़्यादा सीड्स खाते हैं उसमें फैट परसेंटेज आपको क्योंकि पता है सीड में ज़्यादा होती है, तो इसमें मेल ओबीज बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मेल को एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, इसलिए जेब्रा फिंचेस के केजेस का साइज भी काफ़ी बड़ा होना चाहिए ताकि आपके मेल को प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए जगह मिल सके। जेब्रा फिंचेस जो है पूरे साल भर ब्रीड करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इनका ब्रीडिंग का सीज़न देखेगा आफ्टर रेनी सीजन, क्योंकि इस टाइम बारिश का सीज़न आ गया और इस महीने के बाद यानी जुलाई अगस्त में जो इनका मैक्सिमम जो है ब्रीडिंग सीजन देखा गया। लेकिन मार्च से लेके अगस्त के बीच में भी इनका ब्रीडिंग सीजन अच्छा मानेगा नहीं, यानी मार्च टू अगस्त जो है ये मैक्सिमम ब्रीड करती हैं। मेल और फीमेल में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आप फोटो में देख रहे हो एक मेल का फोटो एक फीमेल का फोटो। एक तो साइज में सबसे पहला मेल फीमेल के कंपैरिजन साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, फीमेल छोटी होती है। दूसरा मेल की बीक्स का कलर और फीमेल की बीक्स के कलर में डिफरेंस होता है। मेल की बीक जो होती है चोंच का जो आज होता है काफी ब्राइट कलर का होता है, जो फीमेल का जो होता है लाइट कलर का होता है। मेल के चीक के ऊपर एक पिंकिश कलर का या येलोइश कलर का जो है एक स्पॉट्स होता है जो कि फीमेल में नहीं होता है। मेल और फीमेल की दोनों की बॉडी के ऊपर जो है जेब्रा कलर की मार्किंग्स टेल वाले पोर्शन पे पाई जाती हैं। ये एक टिपिकल मार्किंग होती है जिसकी वजह से इसका नाम जो है जेब्रा फिंचेस रखा गया। यानी दूर से यदि आप इसके टेल को देखेंगे तो आपको जो है एकदम से जो जेब्रा की बॉडी के ऊपर जो लाइनिंग्स होती है सेम उस तरह का लुक आपको देखने को मिलेगा। मेल के चीक्स के ऊपर ऑरेंज कलर के पैचेस होते हैं जबकि फीमेल के ऊपर ऐसा कोई पैचेस देखने को नहीं मिलता। जो ऑरेंज पैचेस होता है काफ़ी डार्क होता है, फोटो में आप इजिली क्लियरली आप देख करके पहचान सकते हो मेल और फीमेल आपके सामने हैं दोनों, और उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चंस लोगों के जेब्रा फिंचेस से रिलेटेड होते हैं, क्या मेल और फीमेल जेब्रा फिंचेस अपने बच्चों को आपस में मार देती हैं। देखिए बच्चे मारने का एक रीज़न ये होता है यदि आपका स्पेस साइज छोटा है, यानी केज छोटा है उसमें नंबर ऑफ बर्ड्स ज़्यादा है, स्पेस कंजेस्टेड है, आपका बर्ड स्ट्रेस में है और उसने उस छोटे स्पेस में भी ब्रीड करना शुरू किया, तो बर्ड्स में जो बहुत गुस्सा आता है आपके पास उसको प्रॉपर फूड प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, उसको प्रॉपर घूमने फिरने का स्पेस नहीं, तो ऐसी कंडीशंस में बर्ड्स का जो है बिहेवियर चेंज हो जाता है। और बर्ड्स अपना गुस्सा निकालने के लिए कई बार या तो अपने बर्ड्स को अबेंडेंट छोड़ देता है यानी उनको पालना ही छोड़ देता है, खाना पीना खिलाना छोड़ देता है, या कई बार गुस्से में जो उनको मार भी देता है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप बर्ड्स को प्रॉपर केज का साइज काफ़ी बड़ा प्रोवाइड कीजिए, फूड की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और उनके नंबर ऑफ हाउसेज है जिसमें वो उनके जो घर बना रखे घोंसले हो पर पेयर के हिसाब से आपके उतने ही घोंसले होने चाहिए जितने नंबर ऑफ पेयर्स आपके पास हैं।
कई बार इनमें फिंचेस के अंदर, जेब्रा फिंचेस में एक बिहेवियर देखा गया है कि एक दूसरे के पंखों को जो है उखाड़ना शुरू कर देती हैं। ये बिहेवियर इस वजह से होता है कि आपका बर्ड यदि स्ट्रेस में है और केज का साइज छोटा था, उस कंडीशन में बर्ड्स अपना गुस्सा निकालने के लिए दूसरे बर्ड्स के फैदर्स को अपने चोंच से जो नोचना शुरू कर देते हैं। इसलिए इसका भी तरीका यही है कि बर्ड्स को नंबर ऑफ बर्ड्स केज में कम रखिए, केज का साइज बड़ा रखिए, तो ऑटोमेटिक बर्ड्स की इस हैबिट से आप छुटकारा पा सकते हैं। बीमार जेब्रा फिंचिस को आप कैसे पहचानेंगे? आप बर्ड्स की आईज को देखिए, आईज जो है डल हो जाएंगी और आंखें जो अंदर की तरफ धंस जाएंगी। बर्ड्स जो अपने पंख फैला करके कोने में जाकर के बैठ जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा। बर्ड्स जो है पानी की तरह जो है मोशंस करना स्टार्ट कर देगा। ये जो है बीमार पक्षी के लक्षण हैं। बर्ड्स की जो है आंखें सूज जाती है, बर्ड्स की आंखों से पानी या नेजल से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा, ये भी जो है पक्षी के बीमार होने के लक्षण हैं। जैसे ही आपको इस तरह का कोई आपको बर्ड्स नजर आता है कि बीमार हो गए हैं, तो तुरंत उस बर्ड्स को सेपरेट करके उसके पीने के पानी में उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप एंटीबायोटिक देना शुरू कर दीजिए। 6 से 7 दिन के अंदर आपका बर्ड्स बिल्कुल ओके हो जाएगा। एंटीबायोटिक के साथ साथ आप कोशिश कीजिए सुबह के पानी में एंटीबायोटिक रखिए, शाम के पानी में लीवर टॉनिक का कॉम्बिनेशन रखिए। इस प्रकार मॉर्निंग और इवनिंग के पानी में अलग अलग मेडिसिन आप लगाइए, तो उससे देखेंगे कि आपको रिजल्ट जो है और भी ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। फिंचिस के साथ एक सबसे जरूरी प्रॉब्लम है, इनको ह्यूमंस का इंटरेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं होता है। यदि आप गलती से फिंचिस के एग को टच कर देते हो, तो फिंचिस को जो है उन एग के अंदर ह्यूमन की स्मेल हो जाती है और फिंचिस उन एग्स को अवॉइड कर देती है, उनको सेती नहीं है, ले नहीं करती, उनके ऊपर बैठती नहीं, उसमें अंडे में से बच्चा नहीं निकालते। इसलिए फिंचिस के एग्स को कम से कम टच करना चाहिए ताकि फिंचिस अपने एग के ऊपर बैठ करके उनमें से बच्चे निकाल सकें। जेब्रा फिंचिस क्या टेम होती है नहीं होती? देखिए, जेब्रा फिंचिस को टेम करना तो बड़ा इजी है, लेकिन अर्ली स्टेजेस से यदि आप उनको टेम करेंगे, स्टार्टिंग से बचपन से, तो इजीली टेम हो जाएंगी। और आप उसको जैसी जब भी कोई ट्रेनिंग आप देते हैं, तो ऑटोमेटिक उसको ट्रेनिंग करने के बाद ट्रेनिंग सेशन छोटे 5-5 मिनट के रखिए, और हर सेशन के बाद आप जब भी उसको कोई चीज़ सिखाते हो, उसको सिखाने के बाद उसको ट्रीट जरूर दीजिए, खाने की कोई चीज़ दीजिए, ताकि आपका बर्ड्स उस लेसन्स को याद कर सके या इन फ्यूचर भी उसको याद रखे। फिंचिस अपने प्यार का इजहार कैसे करती है? यदि आपका फिंचिस का इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप केज के पास जाते हैं, तो फिंचिस मुंह से तो नहीं बोल सकते, लेकिन अपने प्यार का इजहार करने के लिए फिंचिस एक पर्चिस से दूसरी पर्चिस पर कूद कूद करके बार बार में बैठती है और आपका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। ये फिंचिस का प्यार इजहार करने का एक तरीका है, हमें इसे समझना चाहिए। फिंचिस जो है अपने ओनर्स की आवाज़ को पहचानती हैं, फिंचिस का यदि हम अपने नाम को पहचानते हैं, लेकिन फिंचिस फिर भी ह्यूमंस का इंटरेक्शन बहुत कम पसंद करती हैं। यानी इनको ह्यूमंस का ज़्यादा साथ रहना पसंद नहीं है, ये अपने आप में ही जो है मस्त रहती हैं। या हमें जब भी कभी फिंचिस पालनी हो, तो कोशिश करनी चाहिए हमेशा पेयर में पाले, या तो 2 फीमेल पाले, या 2 मेल पाले, या 1 मेल और 1 फीमेल पाले। ये पेयर में जो है हमेशा खुश रहती हैं, अकेले में ये बिल्कुल बोर हो जाती है, अकेले में डिप्रेशन में भी चली जाती है। इसलिए हमेशा जब भी फिंचिस पाले, पेयर के अंदर ही पाले। फिंचिस में जो है अपनी टेरिटरी को लेकर के काफ़ी झगड़ा होता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि पेयरिंग आपके सही होनी चाहिए, नंबर ऑफ हाउसिंग उनके जो घर हैं वो भी प्रॉपर पेयर के हिसाब से उतनी होनी चाहिए, क्योंकि फिंचिस के अंदर टेरिटरी की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। उस टेरिटरी में कई बार फिंचिस एक दूसरे को घायल कर देती हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमेशा प्रिकॉशंस रखनी चाहिए कि फिंचिस के हाउसिंग की जो इंटीरियर कंडीशंस है वो उनके ब्रीड्स के हिसाब से हम मेंटेन करें। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको जेब्रा फिंचिस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, उनकी फीडिंग का, उनकी डाइट का, उनके कलर का, मेल और फीमेल में कैसे डिफ्रेंशिएट करें, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।